रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ अमाइंस इन वन वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू अमाइंस FeHCl इज प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ SnHCl। क्वेश्चन ना ऐसे देख के नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको ना इसको समझाता हूँ ये है क्या। देखो जैसे इतना आपको पता होगा कि ये हमारे पास एक नाइट्रो बेंजीन है। नाइट्रो बेंजीन के रिडक्शन कराने के लिए आपको याद होना चाहिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं। या तो आप क्या ले सकते हो, Fe+HCl ले सकते हो, है ना, या फिर आप क्या ले सकते हो, SN+HCl भी ले सकते हो। और लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सा है बेटा, बेस्ट रहेगा कौन सा वाला, Fe+HCl, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि Fe+HCl क्या बनाएगा, FeCl2। FeCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, ऑन हाइड्रोलिसिस FeCl2 गिव्स HCl। मतलब जैसे FeCl2 बना, FeCl2 बनते ही और HCl बनेगा, बनने लग जाता है, मतलब वाटर से रिएक्शन होने के बाद HCl बन जाएगा ना। देखो इसे, देखो ऐसे FeCl2 जो बनेगा, इसमें अगर वाटर ऐड करोगे तो दोबारा से HCl नहीं बन जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इस वाले मेथड में HCl की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, खुद ही भी बनती रहती है, इसलिए, ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज Fe+HCl FeCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब ये वाला जो वर्ड है ना, ये वर्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है ये, अब ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HCl, जस्ट सो जस्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है। दो तीन समझा देता हूँ फिर इकट्ठे नोट कर लेंगे। फिर इसमें आ गया बेटे नेक्स्ट, टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू अमाइन्स अमोनोलिसिस इज नॉट सूटेबल। अमोनोलिसिस में क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक हेलो अल्केन है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया बेटे, अमोनिया ऐड कर दिया, तो क्या बन जाता है, RnH2। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि RnH2 फिर RX से रिएक्शन करके R2NH बनाता है, और R2NH फिर RX से रिएक्शन करके क्या बना देता है, R3N। हमें बनाना था प्राइमरी अमाइन, लेकिन जब हम एंड अप होंगे ना तो बन जाएंगे तीनों चारों अमाइन्स, तो क्या फायदा ऐसे बनाने का। देखो क्या आंसर लिखा है, बिकॉज ऑन अमीनोलिसिस अमोनोलिसिस अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी अमाइन विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट थोड़ा सा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एनिलीन को हवा में रखोगे तो क्या होगा, वो कलर हो जाएगा, क्योंकि हवा में रखते ही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वैसे तो एनिलीन होता है कलरलेस, ज्यादा हवा में रखोगे तो क्या बन जाएगा, कलर्ड बन जाएगा। फिर आ गया ये वाला, ये देखो यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ से 57th क्वेश्चन से टॉपिक शुरू हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जो कि ना हर किसी चैप्टर में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमाइंस जो होते हैं वो एल्कोहल्स सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लोअर अमाइंस। तो कोई भी अमाइन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, वाटर में अगर घुल रहा है तो वाटर से क्या बनाता है, एच बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए घुल रहा है। तो आंसर क्या, देखो लिखा हुआ है इसका, अमाइन्स ड्यू टू एच बॉन्डिंग विद वाटर। बिल्कुल इसमें ना अप्रोप्रिएट आंसर लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, अमाइन्स आर लेस सोल्यूबल देन अल्कोहल, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए अल्कोहल क्या बना लेगा बेटे, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स, इसलिए अल्कोहल पानी में ज्यादा घुलता है किसके मुकाबले, अमाइन्स के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया के अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो ये वाला 59th, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है अल्कोहल से। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि आप ये समझो ना, अमाइंस में एन है, अल्कोहल में ओ है, ओ स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स बनाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ओ जो अल्कोहल है वाटर में सोल्युबिलिटी भी उसकी ज्यादा है, और जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अमाइन से ज्यादा है, ठीक है। ये बुक वाइज बने हुए हैं, मतलब जैसे ना ये एक एक लाइन से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 61। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन में सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, सबसे अच्छा बेस होगा बेटे कौन सा वाला, टर्शरी वाला, क्योंकि टर्शरी वाले में ज्यादा आर है। देखो टर्शरी अमाइन कैसा होता है, टर्शरी अमाइन होता है ऐसा, R3N। सेकेंडरी अमाइन कैसा होता है, R2NH। प्राइमरी अमाइन कैसा होता है, RnH2, सॉरी। तो जितने ज्यादा आर होंगे ना, उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, टर्शरी। लेकिन ये ट्रू है सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में, इसमें बेटे गैस फेज में ट्रू है। अगर जो फिजिकल स्टेट हुआ वो क्या बन जाएगा बेटे, कौन सा फिजिकल स्टेट बन जाएगा, एक्वस। तो उस केस में जो ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, क्योंकि एक्वस फेज में ना एच बॉन्डिंग भी बनानी होती है। आप देखो टर्शरी वाला एच बॉन्डिंग नहीं बना रहा ना, तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कई बारी कि एक्वस स्टेट में सेकेंडरी बेस्ट होता है, फिर टर्शरी और फिर प्राइमरी। सेकेंडरी को बेस्ट क्यों कर दिया, क्योंकि
क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट भी अच्छा है और उसका सॉल्वेशन इफेक्ट भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी तब आगे करना जब एक मिथाइल अमाइन हो तब करना, और आर एन एच टू स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से। अभी तो बताया था ना आपको कि आर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इज गुड फॉर बेसिक करेक्टर। और फिर उसके बाद कहते हैं एनिलीन सबसे बेकार बेस है, क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर होते हैं ना वो रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं। बेस वो चीज होती है जो लोन पेयर दे सके, बेस वो चीज है जो लोन पेयर दे सके। तो देखो सबसे बेकार बेस कौन सा होता है बेटा, एनिलीन। देखो एनिलीन में क्या लिखा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इज इक्वल, सो इट इज लेस। इसके आंसर्स ना ऐसे जैसे मार्किंग स्कीम में आंसर होते हैं ना, हमें लंबे आंसर लिखने की कोई वो जरूरत नहीं होती, हमें कीवर्ड चाहिए बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 में बोला है पैरामिथॉक्सी एनिलीन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, डोनेटिंग ग्रुप गुड फॉर बेसिक करेक्टर, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग होता है बैड फॉर बेसिक करेक्टर। फिर आ गया असाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब क्या होता है कि असाइलेशन होता क्या है पहले ये देख लो जरा, ये होता है देखो असाइलेशन, ये एनिलीन है ना, इसमें अगर तुम क्या ऐड कर दोगे CH3 COCl तो क्या होता है एसिड एनालाइट बन जाता है, ये एसिड एनालाइट होता है NHCOCH3। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना एक बेस चाहिए होता है, अगर बेस नहीं दोगे ना तो रिएक्शन वापस हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर यही होते हैं, देखो इसमें HCl निकला है ना, HCl को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, ये बेस, अगर नहीं लेंगे तो रिएक्शन ही वापस हो जाएगा। देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या लिखा है बेटे तरह देखना, पिरिडीन रिमूव HCl प्रोड्यूस एंड फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, NH2 ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ जाए प्लस आर के, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के व्याप्ते क्या बोलना चाहिए, प्लस आर इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाती है। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्यों, वही बात है ना कि इसका बहुत तेज प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई रहती है ऑर्थो पैरा में, क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। एक बार दोबारा कर देते हैं, बहुत सारे इकट्ठे करा दिए ना। 54th क्वेश्चन था, वो कह रहा था कि ये बताओ कि जब आप नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाओगे तो Fe प्लस HCl को प्रेफर करोगे, हमने बोला क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी में HCl लगेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि जब आप अमोनोलिसिस करते हो तो वो बेकार मेथड है, क्योंकि अमोनोलिसिस से क्या बन जाता है, मिक्सर बन जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का। फिर एनिलीन को हवा में रखते ही वो कलर हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लोअर अमाइन पानी में घुल जाता है क्योंकि वो वाटर सा क्या बनाता है, एच बॉन्डिंग बनाता है। कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे, अच्छा वो आगे ना, अमाइंस वाटर में कम घुलता है अल्कोहल से क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ बनाता है स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स। 59th क्वेश्चन है, बोला के अमाइंस जो होते हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है अल्कोहल से, सोल्युबिलिटी में भी हार जाता है अमाइंस और बॉइलिंग पॉइंट में भी हार जाता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये वाला क्वेश्चन छूट गया था मुझसे, प्राइमरी अमाइन का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि प्राइमरी अमाइन में दो एच होते हैं, जितने ज्यादा एच होंगे उतना एच बॉन्ड बनाना ईजी होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा क्या, उतना हाई होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट। देखो कितने अच्छा लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। फिर ये समझाया 62 बेसिक करेक्टर में अगर तो गैस फेज होगा तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी लेना, अगर एक्वस फेज होगा तो सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी ये ऑर्डर लेना, 231, ठीक है ना। और सबसे बेकार बेस होता है बेटे एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में होती है रेजोनेंस। पैरामिथॉक्सी में सबसे अच्छा बेस बन रहा है क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, असाइलेशन कराते हुए कोई बेस लेना क्योंकि रिएक्शन को फॉरवर्ड में रखेगा। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाती है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट है, और ब्रोमिनेशन वही सेम चीज आ गई। 69th क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि एनिलीन के नाइट्रेशन से मेटा नाइट्रोजन कहाँ से बन जाता है, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा कहाँ से बन गया। हम बोलेंगे एक्चुअली जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करवाते हैं ना तो एनिलीन एनिलीन रहता ही नहीं है, एनिलीन क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, मतलब NH2 ग्रुप क्या बन जाएगा, NH3+, और वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, एनिलीन कभी भी फेल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि तो एनिलीन जो है ना AlCl3 से जुड़ के क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा जो डीएक्टिवेट कर देगा। तो आई थिंक इससे बढ़िया अमाइंस की वीडियो नहीं बन सकती जिसके अंदर आप देखो कहाँ से शुरू किया था हमने, 16 क्वेश्चन करे, और आई थिंक अभी टाइम इतना नहीं हुआ होगा और सारे क्वेश्चन के आंसर अप टू डेट दिए, ठीक है ना। तो ये वन वीडियो आप एक बार नोट कर लेना।